हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अंडे वाला परांठा खाया है कभी आपने? नहीं खाया तो आज बनाएं फिर। चलिए आज फिर अंडे वाला परांठा ही बनाते हैं, फ्लफी सा, क्रिस्पी सा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी। अंडे ले लीजिए, उसके लिए दो अंडे यानी दो परांठे, प्याज को बारीक काट लीजिए, धनिया ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए, रिफाइंड ऑयल ले लीजिए या फिर देसी घी ले लीजिए। अंडा तोड़िए एक बाउल में, उसको फेंट लें अच्छी तरह से, ज़्यादा पतला नहीं करना है फेंट फेंट के आपने, ठीक है ना? आपको नॉर्मल ही रखना है उसको, ज़्यादा मत फेंटिएगा क्योंकि वो पतला हो जाता है ना तो वो बिखर जाता है अंडा जो होता है, ठीक है? इसलिए आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है। नमक ऐड कर दीजिए और लाल मिर्च ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है ना? इसको उसके बाद इसमें आप प्याज ऐड कीजिए, धनिया ऐड कीजिए और लाल मिर्च, हरी मिर्च सॉरी ऐड कर दीजिए अगर खाना पसंद करते हैं तो, ठीक है? बहुत ही अच्छा बनता है, लाजवाब बनता है। बस हल्के हाथों से बीट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ वो जो नमक और लाल मिर्च डाला है ना उसको वो मिक्स हो जाए, है ना? और स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है जिसका हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा आपको लेना है, ताकि परांठा बनाना है ना वो थोड़ा हैवी चाहिए, है ना? तो उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा आपको चाहिए, उसको बेल लीजिए गोल, आपको एज इट इज़ जैसे रोटी बेलते हैं आप, ठीक है? इस पे आप घी लगा लीजिए, अच्छी तरह से घी लगाइएगा क्योंकि तवे पे जब सिकेगा ना, जब वो घी मेल्ट होगा, जब घी सिकेगा तब वो सतह उसकी खुलेगी, ठीक है ना? चारों तरफ लगाइएगा, सब तरफ लगाइएगा जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया गया, इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है? हल्के हाथों से बेल लीजिए और एक स्क्वायर परांठा बना लीजिए इसका। देखिए इस हिसाब से आप स्क्वायर एक परांठा बेल लीजिए, बस स्क्वायर परांठा, ज्यादा पतला भी नहीं कीजिएगा, बस तवे पे डाल दीजिए और इस स्टेज तक पकाना है कि आपको आधा कच्चा पका रखना है। ये देखिए स्पॉट्स आ गए हैं ब्राउन ब्राउन हल्के हल्के दोनों तरफ, तो आपको इस स्टेज में आप नीचे उतार लीजिए उसको। ऊपर भी पका सकते हैं आप तवे पे, लेकिन हमने आपको दिखाने, क्योंकि ऊपर गर्म होगा सेक लगेगा, तवा है ना चल रहा है नीचे से तो सेक लगेगा। अब चारों तरफ आप अंडा इसके डाल दीजिए, फैला दीजिए और हल्के हाथों से एकदम उठा के ऊपर रख दीजिए, ठीक है? अब आपको अच्छी तरह सेकना है, इस पर घी लगा लीजिए, अच्छी तरह सेकना, जब तक एक सतह नहीं पकेगी पलटना नहीं उसको। पलटेंगे ना अगर कच्चे में तो क्या होगा कि इसमें जो अंडा होगा वो सारा बिखर जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, यही प्रॉब्लम रहती है। कईयों ने यही कमेंट करके बोला था कि अंडा जो है सारा बाहर निकल आता है ना? तो आप पहले एक तरफ पका लीजिए अच्छी तरह से, पकाने के बाद में आप उसके बाद सिकने दीजिए अभी अच्छी तरह से इसको। सिम पे है, सिम पे पकाइएगा, तेज पे नहीं पकाना। मीनवाइल आप दूसरे परांठे की तैयारी कीजिए, अंडा बीट कीजिए वैसे ही जैसे पहला प्रोसीजर किया था आपने उसी तरह। देखो ये देखो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से पका है, तब हमने पलटा है, ठीक है? उससे क्या होगा, जो उसकी बॉटम लेयर होगी ना एग की और परांठे की, वो पक जाएगा, ठीक है? तो वो हिलेगा नहीं, जो ऊपर से हल्का हल्का वो रह जाएगा सिरप वाला हिस्सा, तो वो फिर बाद में पक जाएगा दूसरी साइड से, है ना? तो वो ज़्यादा हिले डुलेगा नहीं। ये देखिए ये फुल टू पक गया एकदम, ये देखिए फ्लफी सा एकदम, ऊपर से क्रिस्प हो गया है अंदर से फ्लफी हो गया है, ठीक है ना? बस रेडी है, उतार लीजिए इसको। एक परांठा तैयार है आपका, भी काट के दिखाएं आपको। ये देखिए गरम है ना, देखो गरम गरम लग रहा है। बस इस स्टेज पे आप देखिए, ये देखिए चारों तरफ फैला है। अगर ज्यादा बीट करेंगे ना तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, वही तो वो बाहर ही निकल जाएगा इनफैक्ट परांठे से, है ना? ये फैला नहीं है, ये देखिए देखिए फ्लफी भी बना है, ऊपर से क्रिस्पी भी बना है, ठीक है ना? दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लीजिए आप उसी प्रोसीजर से। ये देखिए दूसरा भी तैयार है, फ्लफी फ्लफी सा, क्रिस्पी सा, मस्त एकदम अंडे का परांठा। इंजॉय कीजिए, फिर बटर के साथ ले लीजिए आप इसको, बटर के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है वैसे,
बटर के साथ ले लीजिए, या फिर दही के साथ ले लीजिए, चाय के साथ ले लीजिए, जिसके साथ आप आपका मन करे बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर। इन्जॉय योर मील, इन्जॉय योर ब्रेकफास्ट, हैवी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट, वाला इन्जॉय। और हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है लाइक एंड सब्सक्राइब की। प्लीज़ मोटिवेशन दीजिए, मुझे आप ही से मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।